मेरे बच्चे को बागेश्वर धाम में बंदर ने काट दिया है। कैसा था वो बंदर देखने? बंदर बहुत सुंदर था। अच्छा सा बंदर, बहुत ही सुंदर बंदर, ऐसा आपने देखा नहीं कभी? छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में खूबसूरत और सुंदर बंदर के आतंक का मामला सामने आया है, जहां इस खूबसूरत बंदर ने उड़ीसा से आए 4 साल के बच्चे आदित्य कुमार पर हमला कर उसके हाथ पर काट कर घायल कर दिया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ उसका इलाज किया गया। इस बीच बच्चे की माँ ने कहा कि जिस बंदर ने बच्चे को काटा वो बेहद ही सुंदर था, एकदम विदेशी लग रहा था। दरअसल 4 साल का आदित्य अपने परिवार के साथ बागेश्वर धाम दर्शन करने आया था, लेकिन इस बीच वहां घूम रहे बंदर ने उस पर हमला कर दिया और झपट्टा मारकर उसके हाथ पर काट लिया। लेकिन इस घटना के बाद जब मां से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इतना सुंदर बंदर हमने आज तक नहीं देखा। इस बीच बच्चे की माँ ने क्या कुछ कहा सुनिए। क्या हुआ, बंदर ने हमला कर दिया? कहाँ पर? बागेश्वर धाम में। तो आप कहाँ से आए? उड़ीसा से। कौन कौन है साथ में आपके? तो कितने लोगों पे हमला किया? नहीं, बस इसी बच्चे पे। कितने साल का बच्चा है? अभी की घटना है क्या? हाँ, तो काफी बंदर है क्या वहाँ पे? नहीं, तो बंदर एक भी बंदर नहीं, इतने सुंदर बंदर है ना, जो आए अचानक, मतलब वो बंदर को ही मैं कभी नहीं देखी थी इस टाइप का। हाँ, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, पूरा गोरे जैसे, जो बंदर बोलते ना, पूरा चिकने, एक दाग भी नहीं है, मतलब फॉरेनर जैसा लग रहा था। बहुत ही सुंदर, मुंह लाल था, पूरा गोरे। वहीं महिला का आरोप है कि उसे अपने बच्चे के इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन नहीं मिले, जिसके चलते उसे बाहर से 500 रुपए खर्च कर इंजेक्शन लाना पड़ा। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुष्मिता मिश्रा। कहाँ से आए हैं आप? ओडिशा से आई हूं। क्या हुआ आपको, बंदर ने कैसे काटा है? मेरे बच्चे को बागेश्वर धाम में बंदर ने काट दिया है। कैसा था वो बंदर देखने में? बंदर बहुत सुंदर था। अच्छा सा बंदर, बहुत ही सुंदर बंदर, ऐसा आपने देखा नहीं कभी? मैंने देखी है, बहुत ही सुंदर बंदर था, बट आके इसी को ही काट के फिर चले गए। और यहाँ पे हॉस्पिटल में आए तो कुछ सुविधा भी नहीं है। कितने साल का बच्चा है? ये 4 साल का है। क्या नाम है इसका? 4.5 साल का, आदित्य कुमार झा। अच्छा, ये बताएं यहाँ पे रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिला आपको, क्या है आपको? यहाँ पे कुछ चीज़ का सुविधा नहीं है, यहाँ पे रहना चाहिए ना, इंजेक्शन इमरजेंसी में कोई आएगा तो मार्केट जाओ, खरीद के लेकर आओ, अभी 550 का खरीद के ही लाए। 550 अस्पताल में रेबीज का इंजेक्शन नहीं है? नहीं है। तो क्या मानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की रहना चाहिए, सरकारी अगर हॉस्पिटल हो या जो भी हो, प्राइवेट हो सरकारी कुछ भी, लेकिन रहना चाहिए मेडिसिन सर, इमरजेंसी। कौन सा लेके आए हैं आप बताओ मैं थोड़ा, ये कौन सा? मामले में बड़ी बात यह है कि भले ही बच्चे को बंदर ने काट लिया हो, लेकिन मां सुष्मिता को देख ऐसा लग रहा है कि वो बंदर की सुंदरता पर इतनी मोहित हो गई कि इस घटना को ही भूल गई हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए छतरपुर से राजेश चौरसिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।